हे व्हाट्सअप गेमर्स, क्या हालचाल है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर्क सर्वाइवल इवोल्ड में। सो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने जो है आर्चिन टेविस को टेम कर लिया फाइनली। बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगी एंड हमने जो है ट्रैप भी बनाया, बट एक बार आरजी जो है ट्रैप में फंसा था एंड उसके बाद तो हमने जो है इसे बिना ट्रैप के भी जो है टेम कर लिया था, क्योंकि ये ट्रैप से तो बाहर निकल गया था। एंड दूर से ना ये कितना ज्यादा छोटा लगता है यार, बहुत ज्यादा जाइंट है ये। हाँ अभी ना ये लेवल 34 का है एंड बहुत ज्यादा जो है ये जाइंट है यार। अंधेरा तो काफी ज्यादा हो गया तो मुझे ना टॉर्च रखनी पड़ेगी। उसके अलावा ना मैंने एक काम और किया यहाँ पर, भाई थोड़ा सा अंधेरा नहीं था एंड दिन था तो यहाँ पर मैंने ना दो डिलोज को और टेम किया। सो यहाँ पर टोटल ना मेरे पास दो डिलो और आ चुके हैं, डिलो 6 एंड डिलो 7, तो टोटल ना हमारे पास 7 डिलो हो चुके हैं। आज के वीडियो में मुझे क्या करना है, आज के वीडियो में मुझे ना सबसे पहले बनाना है आर्चिन टेविस के लिए अपने आरजी के लिए सैडल एंड उसके बाद इसको राइड करना है, इसकी एबिलिटीज देखनी है एंड उसके बाद थोड़ा सा वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर करेंगे। मे बी किसी डाइनो को भी हम टेम कर ले, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है मेटल कलेक्ट करने में। सो मेरे को ना पहले तो जो है अपने आरजी के लिए जो है यहाँ पर सैडल बनाना है। सो आर्चिन टेविस का सैडल तो अनलॉक हो गया था, लेवल नहीं हुआ है, लेवल 62 पे ना 21 यहाँ पर एनग्राम्स लगेंगे। सो आर्चिन टेविस का सैडल अनलॉक हो चुका है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए फाइबर, हाइड एंड चिटिन, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। 350 यहाँ पर हाइट चाहिए, हाइट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए बट मेरे हिसाब से मेरे पास होना चाहिए इतना सा हाइट, तो 200 हाँ हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। केरेटिन या फिर चिटिन, एक सेकेंड, ये तो फ्लिंट है यार। हाँ मेरे पास चिटिन वगैरह नहीं है क्या? हाँ शायद से यहाँ पर मेरे पास चिटिन नहीं है, तो ये ना थोड़ी सी दिक्कत की बात है, क्योंकि मुझे ना अपने घर से लेके आना पड़ेगा चिटिन। अगर चिटिन केराटिन नहीं, हाँ केराटिन से भी काम हो सकता है, 150 केराटिन चाहिए, फाइबर 185 चाहिए, तो फाइबर तो मेरे को मिल जाएगा। केराटिन यहाँ पर 38 ही है, चिटिन 73 है, तो मे भी हम चिटिन थोड़ा सा जो है और यहाँ पर जो है कलेक्ट कर लें। सो चिटिन हमें मिल जाएगा किसी न किसी जानवर से। सो एक काम करते हैं, जो पानी के पास जो जानवर रहते हैं ना उनसे हमें चिटिन मिल सकता है। तो फाइबर तो हम इकट्ठा कर लेंगे, फाइबर इकट्ठा करने में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो यहाँ पर मेरे को ना ओशन के आसपास जाना है, यहाँ पर हमें बहुत सारा चिटिन मिल सकता है। बंदर है यहाँ पर, भाई एक तो ये छोटे मोटे जानवर इतने हैं ना, ये बहुत परेशान करते हैं मेरे को एंड ये ना मेरे को बिल्कुल पसंद भी नहीं है। सो अभी एक काम करते हैं, पसंद तो कैसे होंगे यार, बिल्कुल ही पीछे पड़ जाते हैं यार, छोड़ते भी नहीं है अपने को। तो यहाँ से मेरे को चिटिन मिल सकता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो एक काम करते हैं, हाँ घर पे ही चलते हैं, चिटिन भी मिल जाएगा हमें वहाँ पर एंड फाइबर भी वहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, अगर यहाँ पे मेरे को वो वाले जानवर मिल गए ना जिनसे हमें चिटिन मिल सकता है तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। बट यहाँ पर तो पैरासोर घूम रहा है एंड यहाँ पर रेक्स था ना, वो कहाँ गया? हाँ रेक्स तो नहीं है यहाँ पर, डिलोस बहुत घूम रहे हैं यहाँ पर, बस डिलोस की आर्मी भरी पड़ी हुई है यहाँ पे, उसके अलावा तो मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो एक काम करते हैं घर चलते हैं। ओके तो अभी एक काम करते हैं, हाँ आरजी को ना अपने पुराने बेस के वहाँ पे लेके चलते हैं एंड वहीं पर जो है इसके लिए जो है हम सैडल भी बना लेंगे एंड उसके बाद जो है आजा कमॉन, हाँ वहीं से ना इसको राइड करते हुए आ जाएंगे, क्योंकि पेट्रो को मैं वहीं पे छोड़ने वाला हूँ। यहाँ से हम ना जल्दी से जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के एंड यहाँ पे, यहाँ से अगर आप मैप देखो ना सो काफ़ी ज़्यादा हम क्लोज है, बस यहाँ से सीधा जाएंगे एंड ये जो जंगल है इसको क्रॉस करते ही जो है हम सीधा घर पर पहुँच जाएंगे। सो लेट्स गो, चलते हैं सीधा घर पर एंड आरजी आ रहा है ना, आ जा आरजी। हाँ तेरे को ना मैं अपना पुराना घर बताता हूँ जहाँ पर ना शुरू से रहता हूँ मैं एंड इसको ना घुमा के लेके आते हैं थोड़ा सा यार, ताकि ये ना थोड़ा सा खुश रहे। एंड ये ना कितने ज़्यादा जाइंट है यार, ब्रोंटोसोरस नहीं यार, ये टाइटोनोसोर है। ओ इनको तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, बहुत ज़्यादा जाइंट है ये भाई। ये जैसे ही वहाँ से निकला ना पूरा का पूरा एक जो है पेड़ गिर गया इसके जस्ट टच से, भाई बहुत ज़्यादा जाइंट है ये। सो मेरे को ना थोड़ा सा हाइट से होकर निकलना पड़ेगा। वो
बहुत जाइंट है यार, ये तो बहुत ज़्यादा जाइंट है। सो अभी यहाँ से निकलते हैं मेरे हिसाब से तो। लग तो रहा है कि ये फ्रेंडली है। फ्रेंडली नहीं होता तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती भाई, संग्राम मच रहा होता है यहाँ पे, बहुत तगड़ी वाली फाइटें चल रही होती है यहाँ पे। सो मेरे को ना बस ये जंगल क्रॉस करना है एंड वहाँ पे जाना है, एंड वहाँ से जो है हमारा घर बहुत ज़्यादा पास में। तो लेट्स गो, चलते हैं फटाफट से घर पे एंड मिलता हूँ जल्दी आपको अपने आरजी के साथ पुराने वाले घर पे। एंड आ चुके हैं हम अपने पुराने घर पर भाई। ये सर इस एंड यहाँ पर ना थोड़ी सी गर्मी वाला मौसम नहीं लग रहा है भाई, जैसे यहाँ पे आता हूँ बहुत ज़्यादा जो है ब्राइट लगती है ये जगह मेरे को। शायद से वहाँ पर जंगल में रह के जो है मेरे को आदत सी पड़ गई। एंड आ जा भाई आरजी, इन सब से मिला देता हूँ तुमको। तो ये सारे डायनोस भाई तुम्हारे लिए एक नया फ्रेंड आया है यहाँ पे। सो ये है हमारा आरजी भाई, रैप्टर देख ले सही से इसको। एंड भाई रुक भी नहीं रहा है ये तो। बिहेवियर डिसेबल फॉलोइंग। सो बस ये यहाँ पे बैठ जाए कम से कम। बैठ जा बेटा। ओके तो आरजी यहाँ पे बैठ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपने पास बहुत सारा केराटिन पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो केराटिन लेके आते हैं फटाफट से। केराटिन मेरे पास पड़ा तो था, वेट कहाँ पे पड़ा हुआ है। हाइट तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास, हाइट बहुत ज़्यादा। ओके ये रहा केराटिन। केराटिन नहीं सॉरी शीटिन है, केराटिन भी है बट थोड़ा सा कम है। फाइबर मेरे को चाहिए होगा। सो फाइबर तो मैं वैसे डायरेक्टली कलेक्ट करने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। एंड ये ना बीच थोड़ा सा ना सेफ होता है। सो यहाँ से ना सार्को भी हमारा सेफ है, उसका ना किसी के साथ पंगा भी नहीं होता है। एंड पेट्रो ना मेरे को फॉलो कर रहा है भाई, बैठ जा वहीं पे यार। सो अभी ना हम जो है बना सकते हैं आर्जेंट टेविस के लिए सैडल। यस अभी बना सकते हैं हम। सो फटाफट से बनाते हैं, बहुत जल्दी जो है सैडल बनने वाला है। एंड मैं बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड हूँ इसको राइड करने के लिए। लेट्स सी। ऑलराइट सैडल तो बन चुका है यहाँ पर। सो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो आरजी एक तो यार यहाँ पे जगह इतनी कम हो गई ना, या तो इनको मेरे को ना इधर ले जाके बैठाना पड़ेंगे। एंड ये रहा अपना आरजी। हो तैयार हो ना भाई उड़ने के लिए। बस इसको ना एक काम करते हैं, फटाफट से इन्वेंट्री पे चलते हैं। एंड इसके 7 पॉइंट्स अवेलेबल है। वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स अवेलेबल है। पहले इसको सैडल पहनाते हैं। एंड सैडल कैसा लग रहा है इसके ऊपर? हाँ ठीक है यार, अभी सही लग रहा है ये थोड़ा सा। अभी एक काम करते हैं, पहले ना मैं इसका जितने भी पॉइंट्स अवेलेबल हैं उनको यूज़ कर लेता हूँ। सो इसकी हेल्थ 876 है जो कि काफ़ी है, स्टेमिना काफ़ी अच्छा है, मेले डैमेज इसका अच्छा है। एंड मोमेंट स्पीड में नहीं बढ़ा सकता क्या इसकी? ओ नहीं यार, मोमेंट स्पीड बढ़ानी चाहिए थी ना यार 100%, मतलब इसकी स्पीड हम नहीं बढ़ा सकते। सो ये ना एक ड्रॉबैक है बट चलो कोई नहीं, जो भी है। वो क्या ज़बरदस्त इसको गुस्सा आया यार, मतलब अपग्रेड हुआ है ना लेवल अप एकदम एक स्टेप। सो इसका थोड़ा सा मेरे को वेट बढ़ाना है, 531 556। बाकी ठीक है अभी के लिए, स्टेमिना भी इसका अच्छा है, हेल्थ भी अच्छी है इसकी, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वेट और बढ़ाते हैं। ओके 600 जो है वेट हो चुका है अभी के लिए, काफ़ी है। थोड़ा सा मुझे ना यहाँ पर इसका स्टेमिना बढ़ाना है 580। एंड वो 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 भाई अब लेवल 41 का हो चुका है हमारा आरजी। एंड भाई अभी मज़ा आने वाला है, लेट्स सी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मेरे को। एंड चले चले लेट्स गो। वो वाओ यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको राइड करने में। एंड इसकी स्पीड कितनी है? अगर हम फुल स्पीड से उड़ाएं तो इसका स्टेमिना थोड़ा सा लो हो रहा है यहाँ पर, बट स्पीड ठीक है यार, स्टेमिना इतना भी जल्दी जो है डाउन नहीं जा रहा है। एंड यहाँ पे हम इस तरह से बैठ सकते हैं एंड ये अटैक करता है इस तरह से। एंड इसकी स्पेशल एबिलिटी अगर हम देखें तो इस तरह से ये जो होवर करेगा। एंड नहीं यार ये तो चल रहा है, स्पेशल एबिलिटी क्या है इसकी? अच्छा इस तरह से हवा में यहाँ पर जो है ये वेट, मेरे को ना थोड़ा सा इसकी स्पेशल एबिलिटी देखनी है जो कि राइट क्लिक से एक्टिवेट होती है सारे यहाँ पर डायनोस की। ओके अभी देखते हैं। ओके तो राइट क्लिक से हम ना किसी भी यहाँ पर जो है डायनो को हम जो है इसके पंजों से ये पकड़ सकता है, किसी भी डायनो को, किसी भी जानवर को, कोई भी चीज़ हो इस तरह से। एंड उसके बाद ना उसकी चटनी बना सकता है ये। सो ये ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बट मेरे को ना एक बार इसका स्टेमिना फुल करना है जो कि बहुत कम है अभी के लिए। एंड फाइनली भाई हमने जो है आरजी टेविस को टेम कर दिया है। एंड अभी ना मुझे जो है एक डायनो को टेम करना है,
जो कि कौन सा होने वाला है मैं आपको बताता हूँ, बट पहले ना एक काम करते हैं, पेट्रो को एंड इसको दोनों को लेके चलते हैं, या फिर पेट्रो को यहीं पे रहने देते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं एक काम करता हूँ, हाँ पेट्रो को लेके चलते हैं ना साथ में भाई। यहाँ के आर्जेंट टेविस का लेवल अप भी अवेलेबल हो गया यार, बहुत जल्दी लेवल अप अवेलेबल हो गया। वेट ही बढ़ाने वाला हूँ, स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, 600 हो गया है। सो अब ना मैं वेट पे ही काम करने वाला हूँ। अभी एक काम करते हैं, आरजी को एक काम करते हैं, बिहेवियर पे चलते हैं, इनेबल फॉलोइंग करते हैं, इसको भी एक काम करते हैं, बिहेवियर पे चलते हैं, इनेबल फॉलोइंग करते हैं, एंड लेट्स गो। आ जा आरजी, इतनी देर भाई सॉरी, आ जा पेट्रो, इतनी देर आरजी तेरा पीछा कर रहा था, अब तू आरजी का पीछा करेगा। है ही नहीं रहा है। आ रहा है आ रहा है भाई, पता नहीं इनको क्या हो जाता है यार, मेरे को समझ में नहीं आता। एंड इसको ना, मेरे को ना इसकी हीटिंग एबिलिटी देखनी है कि ये ना किस तरह से जो यहाँ पर जानवरों को मार सकता है। तो डिलोज नहीं है क्या यहाँ पे? डिलोज होते तो एक दो को निपटा देता मैं। डिलो डिलो डिलो, कोई है क्या डिलोज यहाँ पे? नहीं है यार। डिलोज है ही नहीं यहाँ पर, रैप्टर होता तो उसको भी देख लेते। एंड ये नहीं, थेरिजिनोसोर नहीं भाई, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सो इससे ना पंगा नहीं लेना है हमें। एंड पेट्रो आ रहा है, आ जा बेटा पेट्रो। ओके, तो अभी मैं जा रहा था अपने घर की तरफ, एंड यहाँ पर रास्ते में ही जंगल में मुझे दिखी एक खूबसूरत सी जगह, ये खूबसूरत सा फाउंटेन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये झरना है। एंड वाओ यार, कितनी ज़्यादा प्यारी जगह है ये, वो बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है यार ये, पहले मैंने क्यों नहीं देखी यार ये जगह। एंड यहाँ से पानी गिरता हुआ, कितनी प्यारी लग रही है ये जगह। एंड ये पानी आ कहाँ से रहा? शायद से नदी के वहाँ से आ रहा होगा, क्योंकि अगर हम मैप देखें तो भाई हमारे घर के इस साइड पे ही है, बहुत ज़्यादा पास में हम। सो यहाँ से चलते हैं एंड देखते हैं आगे की तरफ। वेट 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 वेट, हाँ ये डायनो तो है यहाँ पर, बट ये कौन सी जगह है? ऐसा लग रहा है कोई पुराना खंडहर बना हुआ है यहाँ पे। हो ये जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी यार यहाँ पे। ओके यहाँ पे इस जगह पे है ये, ठीक है, कभी नहीं आया यार यहाँ पे मैं। ओ बहुत ज़्यादा प्यारा है यार ये। हाँ इसके अंदर हमें कुछ सीक्रेट लूट्स वगैरह मिल सकती है क्या? अगर हम इसको ना थोड़ा सा यहाँ से, भाई बहुत ज़्यादा डार्क है यार यहाँ पर, कितना अंधेरा है भाई, बहुत डार्क है यहाँ पे। बट मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे कुछ है, ऐसा लग रहा है टूट चुकी है ये जगह, पूरी बर्बाद हो चुकी है। एंड यहाँ पर भी एक और झरना है यार, ओह बहुत प्यारी जगह है, बहुत ज़्यादा प्यारी भाई, मज़े आ गए यार इस जगह को देख के। तो यहाँ पे तो मैं आया था यार, ये पानी भरा रहता है, बट मैं इसके आगे कभी नहीं गया यार। बहुत प्यारी जगह। एंड नहीं, इनसे पंगा नहीं लेना, ये थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं। अभी चलते हैं यहाँ से फटाफट से अपने घर पे, एंड फालतू पे दिक्कत नहीं लेनी है हमें। हाँ ये चीटियाँ वैसे कोई मतलब नहीं इनको मार के, एंड फालतू का टाइम वेस्ट कराती है और कुछ नहीं। भाई नीचे आ जाए यार, हाँ अब आया है, लास्ट टाइम नहीं आ रहा था ये। नीचे तो आ गया है, अभी एक काम करते हैं, बिहेवियर पेसिवली कर रखा है मैंने इसको, हाँ पेसिवली कर रखा था यार, ताकि ये ना हमारे आरजी पे अटैक ना कर दे, इसलिए। हाँ इनेबल फॉलोइंग बिहेवियर, डिसेबल फॉलोइंग, ठीक है। अभी ना ये फॉलो करना इसने हमें बंद कर दिया है। ठीक है अभी के लिए। अभी मेरे को क्या करना, मीट है मेरे पास, ट्रैंक एरोज हैं, नॉर्मल एरोज भी हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं। मेरे को जाना है यहाँ पर एक डायनो को टेम करने, जो कि पहाड़ों में मिलता है, उसका नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या था यार, वेट बहुत जल्दी मैं वो देखते ही मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले ना एक काम करते हैं, पहले ना आरजी की थोड़ी सी ना टेस्ट कर लेते कि आरजी कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर कुछ डिलोज घूम रहे हैं, डिलो या रैप्टर है? ओह रैप्टर है यार ये तो। रैप्टर से अभी के लिए पंगा नहीं लेते हैं, क्या पता भाई कितने खतरनाक हो ये, हमें भी इनको आगे जाके हम टेम भी करें। रैप्टर से पंगा नहीं लेते हैं। यहाँ पे कौन है? आ जा। ओह खत्म। एंड कहाँ जाके गिरा है वो? वो भाई कहाँ जाके गिरा है, बहुत जबरदस्त था ये। ऑलराइट तो, एंड ये चीटियाँ नहीं यार, चीटियाँ नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ पर और कौन है? ये क्या है यार?
इसको पकड़ के ले जा सकते हैं हम? नहीं वैसे मर गया यार, नहीं मरा। और ये हमारे पीछे आ रहा है अटैक करने के लिए। ओ एक सेकंड भाई, ये पीछे पड़ गया यार। उड़ने वाले डायनोस को मारना अभी थोड़ा टफ है। सो पीछे छोड़ दिया उन्होंने। एक सेकंड ये कौन था यार? भाई यहाँ पे तो बहुत तगड़े तगड़े भाई डायनोस है यार, कोई पीछे नहीं छोड़ रहा मेरा। सो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दूर निकल लेते हैं हम। हाँ रेप्टर्स भी है यहाँ पर, रैक्स भी है। सो अभी ना हमें आर्जेंटेविस को राइड करना सीखना, राइड तो मैं कर रहा हूँ बट अभी ना इसके साथ अटैक करना वगैरह सीखना है। एंड वो देखो यार अभी भी मेरे पीछे आ रहे हैं। सो उनको आने देते हैं, ऐसा तो कोई डरने वाली बात नहीं है वैसे। बट यार दो चार एक छोटे छोटे जानवर एक साथ अटैक करते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना शांति से बैठ जाता हूँ। आई थिंक उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया है अभी के लिए। ऑलराइट, तो ये रहा हमारा ट्रैप जहाँ पे हो सकता है हम किसी और आरजी को फंसा लें कभी। सो अभी के लिए तो ठीक है। एक काम कर सकते हैं ना, आरजी का भी वेट काफ़ी अच्छा है, तो हम काफ़ी ज़्यादा जो है लकड़ी ला सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि सारी लकड़ी ख़त्म हो गई, हमारे पास मेटल काफ़ी ज़्यादा है बट लकड़ी नहीं है। ओके भूख लग रही थी आरजी को। एक सेकेंड, आरजी का जो है यहाँ पर एक पॉइंट अवेलेबल है। सो मैं ना इसका थोड़ा सा वेट ही बढ़ाने वाला हूँ अभी के लिए तो। हाँ मेरा भी एक पॉइंट अवेलेबल है, सो मैं भी अपना जो थोड़ी सी ना हेल्थ बढ़ा लेता हूँ। काफ़ी अच्छी हेल्थ हो गई अपनी। सो यहाँ से ना मैं फटाफट से ना मेटल निकालता हूँ, जितना मेटल हमें मिल सकता है, एंड डाल देते हैं यहाँ पर फोर्ज के अंदर, ताकि ना ये जो है स्टोन वापस से रिजनरेट होते रहे एंड हमें मेटल लगातार मिलता रहे। सो मुझे ना बहुत सारी लकड़ी इकट्ठा करके लानी है, एंड उसके बाद जो है हाँ थोड़ा बहुत तो चल पा रहा हूँ मैं भाई, इतना भी मतलब वजन नहीं हुआ है अभी के लिए तो। एंड मेरे को ना पानी पीना है, थोड़ा सा तो मिल जाएगा। 12 एंड भाई बहुत ज़्यादा यार मेटल, ये तो 300 मेटल है ऑलमोस्ट। सो मेरे को ना पानी पीने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, एंड पानी का ना मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा यार। पानी इस तरह से अगर बार बार मेरे को ना पानी पीने के लिए आसपास जाना पड़ा ना, दिक्कत हो जाएगी। सो मेरे को ना पानी का लिए कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा यार। ये कौन घूम रहा है? ये अटैक तो नहीं करता है मेरे हिसाब से, तो नहीं करता है। हाँ फटाफट से ना मैं पानी पी लेता हूँ। ऑलराइट लेट्स गो। कौन था ये? चजुंदर। एक सेकंड, आजा। अब तेरे को मजा चखाता हूँ मैं, एंड इस बार मरेगा ये पूरा खतरनाक सा। एंड या गया है, तो इसका ना मीट ले लेते हैं ताकि आरजी को ना खाने के लिए मिल जाए। एंड ये ना खुद को जो है रीजनरेट भी करता है, तो ये ना काफ़ी अच्छी है, अच्छी चीज़ है इसकी। एंड एक और आ गया यार, छोड़ो इन छछुंदरों को, कब तक मारेंगे इनको। सो अभी मैं चलता हूँ वापस से। ओह पानी यार, मेरे को पानी की व्यवस्था करनी है। उसके लिए भी हम कुछ बना सकते हैं, मेरे को देखना है बस इन्वेंट्री में जाके। सो एक सेकेंड, शायद से वो रहा जिसकी मैं तलाश में हूँ। वेट कहाँ गया? नहीं यार, केंट्रोसोरस। नहीं ये। ओके तो बहुत सारा यहाँ पर मेरे को मेटल मिल गया, एंड मेरे को लगा आरजी के लग तो नहीं गई यार। मेटल तो बहुत सारा हो गया है। मेरे को ना थोड़ा सा यहाँ पर जो है ये ड्रॉप कर देने, ये तो ठीक है, काम आएंगे आगे जाके, क्योंकि वेट हमारा वैसे भी इतना नहीं हो रहा है, 140 तो हो रहा है। तो मेरे को ना थोड़ी सी लकड़ी लेके आनी है, ताकि मैं ना बहुत सारा जो है यहाँ पर मेटल फोर्ज होने के लिए लगा दूँ, स्मेल्ट होने के लिए लगा दूँ। तो ओ वाओ यार, ये आरजी कितना प्यारा है। एक सेकेंड, ये रहा, लेवल 4 का है बट कितना प्यारा लग रहा है, एकदम मस्त रंग बिरंगा सा। एक काम कर सकते हैं, इस रंग बिरंगे आरजी को टेम करने का ट्राई करते हैं। सो लेट्स सी, आजा। छेड़ तो हमने इसको दिया है, आ तो रहा है। लेट्स सी, ये वाले हो सकते हैं वो। वेट बाद में देखते हैं। आ रहा है, कम ऑन आने दो इसको भाई, ट्राई करते हैं। लेट्स सी कि हम इसको टेम कर पाते हैं या फिर नहीं। आ तो गया है। एक सेकंड, शॉट मिस कर दिया मैंने, शॉट इस बार नहीं करूंगा।
हाँ पड़ी, शायद से मिस हो गया इस बार फिर से। आ रहा है अपनी तरफ ही आ रहा है। हाँ भाई लग तो रही है, उसके चक्कर भी आ रहे हैं ऐसा लग रहा है मेरे को। पास में क्यों नहीं आ रहा है ये? हाँ फिर से पड़ी। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, पास में आ जा थोड़ा सा यार। आई डोंट नो इसके लग भी रही है या फिर मैं ऐसे ही मार रहा हूँ। हाँ लग रही है, लगी फिर से इसके। इस बार मैंने मिस कर दी। एंड अभी ना मेरे पास कोई भी अमाउंट नहीं बची है, सो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है गन के अलावा। लेट्स सी ये पास में आता है या फिर नहीं। नहीं यार इस तरह से नहीं होगा, पास में बुलाना पड़ेगा इसको, क्योंकि मेरे पास ना बहुत कम यहाँ पर डार्ट्स बची हुई है। हाँ अभी आ रहा है। हाँ पड़ी इसके। एंड भाई मेरे आरजी को मारना थे वो। वेट 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 वेट, फाइट तो इनकी काफी जबरदस्त चल रही है। बस कम ऑन कम ऑन। नहीं मेरे को लग रहा है कोई मतलब नहीं है, या तो ये मरेगा या फिर आरजी मार देगा इसको। एंड आरजी ने जो है मार दिया उसको। क्या यार मेरे को लगा मैं इसको टेम कर लूंगा, बट नहीं यार इसने तो आरजी पे ही अटैक कर दिया। एंड कहाँ गया हमारा आरजी? वो कहाँ हो आरजी भाई? फॉलो नहीं कर रहा है क्या मेरे को आरजी? ये बेटा है यार यहाँ पे भाई। लगी क्या इसके? आरजी ठीक तो हो तुम? वेट वेट वेट, भाई इसकी हेल्थ बहुत कम हो गई थी। चलो इसने खाना तो खाया है। एंड ठीक है अभी ना इसको राइड करते हैं। एंड इसके अंदर से जो भी हमें आरजी के अंदर से मीट वगैरह मिलती है सारी कलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहीं पे बैठ जाना भाई। मेरे पास ना सिर्फ एक डार्ट बजा था, बस स्ट्रेंथ डार्ट, सो कोई मतलब नहीं है। अभी ना इससे काम करते हैं, फटाफट से निकाल लेते जो भी मीट हाइड। एंड इससे हमें ना प्राइम मीट मिल रही है, बट ये ना बहुत ज़्यादा प्यारा था दिखने में यार। काश मैं इसको जो है टेम कर पाता एंड इसको ना पेसिफिकली कर पाता। अब मेरे को लगा था यार उसको एरोज लग रही है, बट क्या पता उसको लग रही थी या फिर वो बच रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ उसने ना मेरे ऊपर अटैक नहीं किया यार, सीधा ना आरजी के ऊपर अटैक कर दिया। मेरे ऊपर अटैक करता तो काफ़ी अच्छा रहता। सो यहाँ पर एक पॉइंट अवेलेबल है आरजी का। एंड यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें क्या आ रही है, ऑफ हैंड वगैरह, आई डोंट नो। सो मैं ना इसका थोड़ा सा वेट बढ़ाने वाला हूँ, 656। ओके तो जिस डाइनो की मैं बात कर रहा था उसका नाम है एंगिलोसोरस। एंड अगर हम आरजी को उसके मतलब आरजी के पंजों में उसको ना पकड़ के लेके जाएं किसी भी माउंटेन पे, एंड उसके बाद वो ना बहुत ज़्यादा जो है मेटल कलेक्ट कर सकता है बहुत फास्ट। एंड उसको ना शायद से कुछ बेनिफिट भी मिलता है मेटल में। सो आरजी के पंजों में हम उसको पकड़ के कहीं पर भी ले जा सकते हैं, एंड वो ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहा है ये? एंड यहाँ पर बहुत सारे आरजीज है, बट मेरे को ना उनको टेम नहीं करना है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, ये वीडियो मैं करने वाला हूँ यहीं पर। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं एंकी को टेम करने के लिए जाऊँगा। एंड उसके लिए ना मेरे को थोड़ा सा आसपास का एरिया देखना पड़ेगा, पता नहीं मेरे को वो कहाँ पर मिलने वाला है। एंड यहाँ पर ना मेरे को जो है थोड़ी सी लकड़ियाँ वगैरह काट के लेके आनी है, एंड जितना भी मेटल मैं कलेक्ट करके फोर्ज में डाल सकूँ उतना डालना है, ताकि ना मेटल भाई स्मेल्ट होता रहे। जितना मेटल हमें कलेक्ट करने को मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। सो ये वीडियो मैं करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप कि आप लोगों को आज की जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना। एंड या वर्ल्ड बहुत बड़ा है एक्सप्लोर करने के लिए। एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी जो है बर्फ़ वाली जगह पे जाऊँ, स्नो वाली जगह पे जाऊँ, एंड वहाँ पर जाके देखूँ कि हमें कौन से एनिमल्स मिल सकते हैं वहाँ पर। बट उसमें ना थोड़ा सा टाइम है। बट या वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए होते हुए सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।